चलिए तो आपको सीधा ले चलते हैं हरियाणा। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। कार्यक्रम में जिनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, ऐसे हमारे पूज्य संत श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज, श्री महंत संपूर्णानंद जी महाराज, श्री महंत तरंगदास जी महाराज, श्री महंत रुद्रपुरी जी महाराज, श्री महंत भल्लेगिरी जी महाराज, श्री महंत कमलनाथ जी महाराज और पूर्व सांसद श्री महंत महेश गिरी जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री सुरेश राणा जी, पूर्व सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, महंत कणिराम जी और सुप्रसिद्ध भजन गायक जिनके भजनों का आनंद आप लोगों ने कल लिया होगा, ऐसे श्री कन्हैया मित्तल जी, सभी हमारे खड़दत्सन संप्रदाय से जुड़े हुए पूज्य संतजन, भक्तजन और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले हरियाणा की जनता जनार्दन का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हरियाणा के अंदर एक बार फिर से करके दिखा दिया है कि आज से 5200 वर्ष पहले जोधघोष लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की धरती से दिया था परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। हरियाणा की जनता जनार्दन ने अभी हाल ही में विधानसभा चुनावों के माध्यम से फिर से जनता का जनार्दन का रूप क्या होता है, वह कैसे फैसला लेती है, यह करके दिखाया है। इस शानदार विजय के लिए आप सभी हरियाणा वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबका मैं बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सज्जनों, ये कितना पवित्र क्षेत्र है पेवा का, कोई ऐसा सनातन धर्मावलंबी नहीं होगा जो प्रातः काल नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद जब स्नान करता है तो देश की जिन पवित्र सात नदियों का स्मरण करता है कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जस जलस्मिन स्मिन करो कुरु की बात करता है। गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है, यमुना मैया का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है, कावेरी और नर्मदा मैया की भी कृपा हम पर बरसती है, सिंधु भी है, लेकिन जिस एक नदी का स्मरण हरेक मुंह पे होता है और जिसके बगैर वाग देवी की कृपा कभी नहीं बरसती, ऐसी माता सरस्वती के रूप में जाने जाने वाली ये पवित्र धरा आज सरस्वती नदी के ही तट पर है, संतों का समागम यहां पर उपस्थित है और पेवा जैसी पवित्र भूमि पर विरासत के प्रति सम्मान का भाव हो, यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, विकास तभी सार्थक होगा जब हम विरासत का संरक्षण करेंगे। मैंने आज से लगभग 25-30 वर्ष पहले मैं गुजरात में जूनागढ़ में भवनाथ तलहटी में
गुरु गोरखनाथ आश्रम में गया था, वहां पर मुझे अपने वरिष्ठ संत श्री महंत शेरनाथजी महाराज के पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोकनाथ बाबूजी की एक भजन हम लोग वहां सुनते थे, जिन्होंने संतों की महत्ता के बारे में कहा कि संत है सुहागी रहते सदा मगन, और जाते हैं जिस लोक में करते सदा चमन। और मुझे तो चमन आज आपको यहां पेवा में देखने को मिल रहा होगा कि जो यहां पर अभी श्री महंत बालकनाथ जी महाराज कह रहे थे, चार पीढ़ी से ऐसे नीचे की ओर पतन की ओर जा रहा एक पवित्र सिद्ध की यह पावन धरा, पवित्र स्थान एक योग्य योगी के आने के बाद कैसे उत्थान की ओर अग्रसर होता हुआ गया है, यह भी आप सबने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों के अंदर। यह नाथ संप्रदाय के एक सुप्रसिद्ध सिद्ध योगी गरीब नाथ जी महाराज की पावन धरा है। उनके बारे में कहा जाता है कि नाथ पंथ के नौ नाथों की परंपरा, सत्यनाथ जी की परंपरा के वे अवतारी योगी थे, और सत्यनाथ की योग की परंपरा को उन्होंने इस स्थान से विस्तार दिया था, और सत्यनाथ के योगी देश के अंदर जहां कहीं भी रहते हैं वे अपना स्थान पेवा को मानते हैं, उनका सिर माथा पेवा है, पेवा पेवा की धरा है, यानी पेवा की धरा है, और यहां से ये विस्तार लेता हुआ देश के अलग 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 कोने में फैलता गया। यहां की स्थिति हम सबके संज्ञान में थी, और जब शेरनाथ जी के बारे में संप्रदाय ने कहा कि भाई आपका सिर माथा है, आपको वहां पर कुछ करना चाहिए, वे पहले संकोच में थे, मैं करूंगा, मैं सहायता कर दूंगा, सहायता करने से नहीं होगा, स्वयं प्रत्यक्ष रूप से आपकी उपस्थिति वहां पर हो, आप वहां उपस्थित होकर के उस स्थान के बारे में कुछ सोचेंगे तो लोगों के मन में एक विश्वास जागृत होगा। और मुझे प्रसन्नता है एक छोटे से कार्यकाल के दौरान श्री महंत शेरनाथ जी बापू ने न केवल पेवा को बल्कि सांबली और मुजफ्फरनगर के भी उजड़े हुए स्थानों को फिर से चमन ला करके उन सिद्धों के प्रति उनकी भावनाओं को मूर्त रूप दे करके भक्तों को एक सम्मान दिया है। इन पवित्र धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए भक्तों के मन में एक नया विश्वास जागृत किया है। मैं आज जब यहां पे हमारे नाथ पंथ के साथ साथ खड़दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए पूज्य संतजन है, मैं उनको एक बात बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, भगवान कृष्ण ने जो इस कुरुक्षेत्र की धरती पर संदेश दिया था कि पत्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, सज्जन शक्ति का संरक्षण और दुर्जन शक्ति को पराभव की ओर ले जाकर के रसातल की तरफ पहुंचाना है, यह कार्य हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अपने कृतित्व के माध्यम से भी कर सकते हैं। धर्म के भी दो हेतु होते हैं, धर्म का मतलब प्लायन नहीं होता, धर्म के बारे में धर्म का किसी भी योगेश्वर ने किसी भी सिद्ध संत ने प्लायन का नाम धर्म नहीं कहा। आप याद करिए केरल की धरती पर जन्म लेने वाले एक सन्यासी भगवान आदि शंकराचार्य
देश के चार कोनों में भ्रमण करके सनातन धर्म की ध्वजा पताका को मजबूती प्रदान करते हैं। चार पीठों की स्थापना को उन्होंने जन जागरण के कार्यक्रम के माध्यम से, शास्त्रार्थ के माध्यम से इस अभियान को जीवित किया। आज देश उस रूप में हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आ गए हैं मंच पर, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और इन पूरे संत समाज की ओर से उन्हें हृदय से बधाई भी देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। जोरदार करतर ध्वनि से एक बार अपने मुख्यमंत्री जी का स्वागत तो करो। देखिए, मैंने इसीलिए शुरुआत में आपको पहले ही बधाई दे दी थी। श्री नायब सिंह सैनी जी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और मैंने इसीलिए शुरुआत में आपको इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर जो चुनाव संपन्न हुए, चुनाव में हरियाणा की जनता ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया, इसके लिए अब सैनी जी आ गए हैं, उनको तो मैं हृदय से बधाई देता ही हूं, साथ साथ आप सभी जनता जनार्दन को, हरियाणा वासियों को भी हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उनका हम आभार भी व्यक्त करते हैं। एक सही और सटीक फैसला। और आज इस धर्म सभा में स्वयं प्रत्यक्ष उनकी उपस्थिति इस बात का एहसास करा रही है कि हरियाणा की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर, उनके नेतृत्व में जो फैसला किया वह सही था और हरियाणा के विकास के लिए डबल इंजन सरकार का सहयोग की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे यही कह रहा था, धर्म के दो हेतु हैं, एक अभ्युदय का और दूसरा निश्रेष्य का। अभ्युदय का मतलब सांसारिक उत्कर्ष, अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक सकारात्मक ऊर्जा को लोक कल्याण के लिए विकास के अभियान के साथ जोड़ना, जो आपके लोक मंगल की कामना को आगे बढ़ा सके, आपकी कामनाओं की सिद्धि में सहायक बन सके। इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, सही फैसला लेना पड़ेगा। विकास सही है तो सही लोग चाहिए, सही नेतृत्व चाहिए, राजनीति में अच्छे राजनेता चाहिए, धार्मिक क्षेत्र में अच्छे संत चाहिए, समाज जीवन में अच्छे लोग चाहिए। अच्छे लोगों को जब हम लोग चुन करके भेजेंगे तो परिणाम भी अच्छा आएगा, और उसी अच्छे परिणाम को जो हरियाणा के लोगों ने करके दिखाया है, अच्छा फैसला करके, अपना निर्णय दे करके, सुना करके उन्होंने बता दिया है कि ये हरियाणा का फैसला है। उन्होंने साबित किया है ये भगवान कृष्ण की धरा है, उनके कर्मयोग की धरा है, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा किया है, अच्छा परिणाम आएगा। जिन लोगों ने बुरा किया था उसको बुरा परिणाम दे दिया गया। और दूसरा है निश्रेयस्य की। एक योगी अपने अभ्युदय को विस्मृत करके कभी निश्रेयस्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। एक सद्ग्रस्त अपने अभ्युदय को विस्मृत करके कभी निश्रेयस्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। याद करना, जब सांसारिक उत्कर्ष और विकास के लिए आप कार्य करेंगे, निष्काम भाव के साथ काम करेंगे, तो उसके परिणाम हमारे सामने इसी रूप में देखने को मिलेंगे। वो हमारे सांसारिक उत्कर्ष का, विकास का मार्ग तो प्रशस्त करेगा ही, बल्कि
इस लोक में विकास के साथ जोड़ करके लोक मंगल की कामना के साथ कामनाओं की सिद्धि का आधार तो तैयार करेगा ही, लेकिन इस लोक के बाद वह हमारी मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करेगा, मोक्ष भी प्रदान करेगा, जीवन में सफलता का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। और यही है कामना धर्म की, जिसमें अभ्युदय भी है निश्रेयस्य भी है। इन्हीं कामनाओं को लेकर के प्राचीन काल से ही संतों का समागम संप्रदाय के स्तर पर, खड़दर्शन संप्रदाय के स्तर पर होते रहे हैं, और इन समागमों के माध्यम से समय समय पर होने इस धराधाम को प्रकृत करने के लिए आने वाले देवीय पुरुषों के माध्यम से, महापुरुषों के माध्यम से जो विशिष्ट घटनाएं घटित हुई, वही हमारे पर्व और त्योहार बन गए। ये पर्व और त्योहार किस रूप में, अभी दीपावली आने वाली है, यानी बापू ने भंडारा ऐसे समय में किया है जब उसके ठीक दो दिन के बाद दीपावली आने जा रही है। तो मैं आप सब हरियाणा वासियों को इस शानदार जीत के साथ साथ दीपावली की भी बधाई देता हूं, मंगलमय शुभकामनाएं आप सब के प्रति करता हूं। तीसरा, संतों का समागम यहां पर है, यह संतों का एक कुंभ भी है, और रविंद्रपुरी जी महाराज और संपूर्णानंद जी महाराज अभी जो बता रहे थे, प्रयागराज में इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन भी होने जा रहा है 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक। यानी दुनिया का ये सबसे बड़ा आयोजन होता है, सबसे बड़ा समागम होता है, सनातन धर्म का सबसे बड़ा समागम प्रयागराज में 2025 के प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर हम सबको देखने को मिलेगा, जिसमें भारत के अंदर सनातन धर्म के साथ साथ उनके पूज्य संतों की उपस्थिति होगी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी लोकों से जुड़े हुए, चाहे वह देव लोक हो चाहे वह अन्य लोक हो, वे सभी लोकों से जुड़े हुए वे सभी देवी देवी देवा भी आएंगे, पितृ पितर भी आएंगे, अन्य योनियों से जुड़ी हुई वे सभी पवित्र आत्माएं भी इस अवसर पर वहां पर इस आयोजन में सहभागी बनकर के गंगा यमुना और सरस्वती के पावन त्रिवेणी के संगम में स्नान करके पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त करेंगे। उस सानिध्य का सहभाग हम सबको प्राप्त हो, इसका आयोजन पूज्य संतों के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रयागराज में इस आयोजन को करने जा रही है। विरासत के प्रति सम्मान का भाव क्या होना है, पेवा में तो आप देख रहे हैं, और सरकार भी इसमें पीछे नहीं है। हरियाणा की सरकार इस पवित्र सरस्वती नदी के पुनर्जीवन के लिए कार्य कर रही है, सरकार कार्य कर रही है, संतों की भी और भक्तों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस पवित्र कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़े। सरस्वती नदी फिर से पुनर्जीवित होकर के लहलहाती भी दिखाई देगी, बशर्ते आप सभी लोग मिलकर के एक सामूहिक प्रयास करें। इसके लिए जल की एक एक बूंद का संरक्षण करना, उसके संरक्षण के लिए उपाय करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रयास करना, जल की शुद्धि के लिए प्रयास करना, अधिक से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जोड़ना, देसी पद्धति को अपनाने का प्रयास करना, खेती भी प्राकृतिक खेती अगर आप कर सकेंगे, गौ आधारित खेती कर पाएंगे, तो यह भी इस नदी को पुनर्जीवन करने का एक उपाय होगा। भारत की नदी संस्कृति के प्रति हमारी कृतज्ञता होगी,
भारत की पवित्र देवी स्वरूप इन नदियों के प्रति हम सब अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर पाएंगे। और इसीलिए आज यहां पर मैं आपके बीच आया हूं कि एक तरफ हमें कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर पड़ा है कि यहां पर चार पीढ़ी से जो स्थान अपने उत्तरदायित्वों से विमुख हो चुका था, उस स्थान को आज एक नया नेतृत्व से महंत शेरनाथ जी बापू के नेतृत्व में प्राप्त हुआ है। और आज ये पेवा का स्थान फिर से यहां पे गरीब सिद्ध शिरोमणि गरीब नाथ जी महाराज की साधना और सिद्धि के मूर्त रूप को जीवंत करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस अवसर पर मैं पेवा वासियों को हृदय से बधाई देता हूं कि यहां पर आज फिर से पेवा की भावना के अनुरूप यह स्थान फिर से अपने पुरातन वैभव को पुनर्स्थापित कर रहा है। ये भंडारे का कार्यक्रम, संत समागम का कार्यक्रम, संत इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के अपना आशीर्वाद दे, अपने आप ही वो तीर्थ हो जाता है, ये तीर्थ अपने आप बना हुआ है। विरासत के प्रति सम्मान का ही भाव है। क्या आज आप उत्तर प्रदेश के काशी में जाएंगे तो काशी में भगवान विश्वनाथ का भव्य धाम आपको देखने को मिलेगा। पहले काशी में भगवान विश्वनाथ के धाम में 10 श्रद्धालु एक साथ एकत्र नहीं हो पाते थे, बहुत संकरी गली थी। और आज 50,000 श्रद्धालु एक साथ वहां इकट्ठा हो सकता है, ये भव्य रूप आज वहां देखने को मिल रहा है। अयोध्या में आप आके देखेंगे, एक नई अयोध्या का दर्शन हो रहा है, भव्य और दिव्य अयोध्या। भगवान राम 500 वर्षों के बाद फिर से विराजमान हो गए हैं। आप प्रयागराज में जाएंगे, प्रयागराज एक बार फिर से नए स्वरूप में सज रहा है। 2019 का भव्य और दिव्य कुंभ तो आपने देखा होगा, और 2025 का महाकुंभ उससे भी विराट होगा, उससे भी भव्य और दिव्य होगा। ऐसे ही हरेक उस पवित्र स्थल को जो हम सबकी सनातन धर्म की विरासत से जुड़ा हुआ है, अवतारी परंपरा से जुड़ा हुआ है, सिद्धों संतों की परंपरा से जुड़ा हुआ है, ये डबल इंजन की सरकार उसका संरक्षण करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। क्योंकि विरासत का संरक्षण करके ही हम उज्जवल भविष्य की कामना को सार्थक कर पाएंगे और 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना है तो विरासत और विकास का अद्भुत संगम भारत को दुनिया के सामने सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने में सफल होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से जब यहां पर श्री महंत शेरनाथ जी महाराज के द्वारा ये भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम में आए हुए अपने सभी पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं यहां पर उपस्थित हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को पुनः विजयी होने के लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। पूरे हरियाणा वासियों को जिन्होंने इस सकारात्मक फैसले के साथ जुड़ करके हरियाणा को डबल इंजन सरकार का लाभ देने के लिए जो कार्य किया है, ये वास्तव में सनातन धर्म के उपदेश के अनुसार ही अभ्युदय के लिए आपके द्वारा उठाया गया कदम है। और मुझे पूरा विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार का ये लाभ हरियाणा को निरंतर प्राप्त होगा। आप सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए हरियाणा वासियों को, आप सभी सुधी जनों को, पूज्य संतों को मैं दीपावली, धनतेरस और इसके साथ जुड़ने वाले सभी पर्व और त्योहारों की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे देता हूं विराम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद श्री श्री महंत योगी आदित्यनाथ।